नया सीखे में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें हमने उसके बेसिक्स पढ़े संज्ञानात्मक सिद्धांत में, और उसकी दो स्टार्टिंग की अवस्थाएं पढ़ी हैं, संविधि पेशी अवस्था और पाक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम थर्ड और फोर्थ अवस्था जो उन्होंने दी थी, हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। और इनसे पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये वाला जो टॉपिक है जो हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तभी क्लियर होगा जब आप बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्याजे जी ने दो अवस्थाएं शुरू में दी थी, आज हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड है मूड संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 to 11 साल के बच्चे के लिए थी। मतलब उन्होंने ये अवस्था बताई है कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा जो होता है वो इस अवस्था में होता है। जैसे कि एक होता है ठोस उसमें क्या होती है उसकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इस मूड संक्रियात्मक अवस्था को। यानी कि अगर हम बात करते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था की भी, तो भी उसमें ये सारी जो क्वालिटी है बच्चे में वो पाई जाएगी। जैसे कि पहला है मूर्त वस्तुओं के बारे में सोच पाना। मूर्त वस्तुएं, देखिए दो चीज होती है, मूर्त और एक होती है अमूर्त, जो कि फोर्थ स्टेज में आती है, लेकिन मैं आपको यही समझा देती हूँ। मूर्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो बच्चे की आंखों के सामने होती है। जैसे कि ये डस्टर है, तो इसके बारे में बच्चा सोच पाता है कि हाँ ये डस्टर है, क्या क्या करेगा, ये रब करेगा, और ये मार्कर है तो ये पेन से लिखता है, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। और एक अमूर्त वस्तुएं होती है, अमूर्त वस्तुएं वो होती है जो उनकी आंखों के सामने नहीं होती है, जो बच्चे ने कभी देखी ही नहीं है, उसके बारे में वो बच्चा सोच नहीं पाता है। मूर्त वस्तुओं की इस अवस्था में बच्चा जो है सिर्फ मूर्त वस्तुओं के बारे में ही सोच पाता है, वो अमूर्त जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में विचार नहीं रख कर पाता। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि जो अमूर्त वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो बच्चा है वो चिंतन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है अगनात्मक विचार का आना। अगनात्मक विचार यानी कि बच्चा जो है इस एज तक आते आते, 10-11 साल का बच्चा जो है इस एज तक आते आते वो समझने लगता है कि जो भी चीजें हमारे सामने हो रही हैं उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। यानी कि वो साइंटिफिक तरीके से भी सोचने लगता है, वो साइकोलॉजिकल उसका जो माइंड है वो भी चलने लगता है। कि जो जैसे कि 7-8 साल का बच्चा अगर अपने से छोटे बच्चे को शरारत करते हुए देखता है और फिर उसे उसके पेरेंट्स डांटने लगते हैं, तो जो 7-8 साल का बच्चा है वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये अभी छोटा है। अगर आप यही बात 3-4 साल के बच्चे को समझाते हैं कि नहीं बेटा आप ना अपने छोटे भाई को ये सब चीजें दे दो जो वो मांग रहा है उसको दे दो क्योंकि वो छोटा है, तो वो ये चीजें नहीं समझ पाएगा। वो 7-8 साल का बच्चा इसीलिए समझ पाता है क्योंकि उसमें ये इस अवस्था तक आते आते बच्चे में ये चीजें डेवलप हो जाती है, अगनात्मक विचार जो है उसके डेवलप हो जाते हैं। वो सोचने लगता है कि एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स जो है वो किस लिए मुझे अपनी चीज को छोटे बच्चे को देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो ज्यादा ही थोड़ा एक्टिव होता है, वो जिद्दी होता है, वो छोटा है, उसे नहीं पता है सही चीजें क्या है और गलत चीजें क्या है। मतलब ये सब जो विचार है वो आने लगते हैं क्योंकि उनके अगनात्मक विचार जो है बच्चे के डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है वर्गीकरण कर पाना, यानी कि वो अब चीजों को देख देख कर जितनी भी चीजें हैं उन्हें क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितनी है, इस चीज की प्रॉपर्टी क्या है, वो उनको सेपरेट कर सकता है इस एज का बच्चा, इस अवस्था का बच्चा। इसलिए हम कहते हैं कि 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा है उसमें वर्गीकरण कर पाने की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है वस्तुओं को घटते बढ़ते क्रम में लगा पाना। यानी कि ये इस एज का बच्चा जो है कम चीजों की बात नहीं होती कि कम चीजें जो है 3-4 चीजें तो वो शुरू से बच्चा सीखता है, फर्स्ट क्लास का बच्चा, कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी है और बड़ी है। यानी कि वस्तुओं को घटते कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, क्या घट रही हैं, नहीं ज्यादा चीजों की बात हो रही है। क्वांटिटी के बेस पर अगर 100 है, 100 से ज्यादा है, तो इतनी चीजों को भी जो बच्चा है वो इतनी वस्तुओं को भी घटते बढ़ते क्रम में लगा सकता है,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा। तो ये सारी क्वालिटी थी जो प्याजे जी ने बताई थी कि इस अवस्था में बच्चा ये चीजें कर सकता है। तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही बनते हैं कि मूर्त वस्तुओं के बारे में जो बच्चा है किस अवस्था का बच्चा सोच सकता है, अमूर्त वस्तुओं के बारे में क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा या ठोस संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा सोच पाता है, मतलब जो है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं, यही वो पॉइंट्स हैं, यही जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है इन्हीं क्वालिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो की है 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इस एज का बच्चा, फोर्थ अवस्था का बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन मैंने अभी अभी आपको समझाया, वो चीजें जो बच्चों की आंखों के सामने नहीं भी है उस चीज के बारे में भी वो सोचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है दिशा निर्देशन की अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था का बच्चा जो होता है, इस एज का जो बच्चा है वो किशोर अवस्था में अपना कदम रखता है। और किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं अहम केंद्रित होते हैं। अहम, पहले इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं ये वाला पॉइंट समझाऊंगी, किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित, एक तो मैंने सबसे शुरू के पॉइंट में बताया था पहली अवस्था में कि छोटा बच्चा भी अहम केंद्रित होता है, और एक ये है किशोर अवस्था का बच्चा। इन दोनों अवस्था में अहम केंद्रित होना होने की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। जो किशोर अवस्था का बच्चा है वो अपने आप पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसको लगता है कि सब लोग जो हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ तो वो मेरी हर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं। मैंने क्या पहना है, मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से खड़ा होना है। जो एक इससे कम अवस्था का बच्चा है या इससे भी और ज्यादा प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति हैं वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। वो उसको उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है या हम क्या चीज पहन के क्या चीज हम लेके साथ में जा रहे हैं। लेकिन जो एक किशोर अवस्था का बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा अहम केंद्रित होता है, उसे लगता है कि सब लोगों का फोकस जो है वो सब बस मेरे ऊपर ही है। तो ऐसी अवस्था का जो बच्चा होता है उसे दिशा निर्देशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा दिशा निर्देशन की अवस्था में है। क्यों? क्योंकि अगर किशोर अवस्था में उसे दिशा निर्देशन नहीं दिए जाते हैं तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें सोचना शुरू कर देता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है कि डिडक्टिव थिंकिंग डेवलपमेंट हो जाती है इस अवस्था में, यानी कि वो नेगेटिव चीजें भी सोचना शुरू कर देता है बच्चा। अगर वो पॉजिटिव चीजें सोचता है जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है, जैसे कि आगनात्मक विचार आने लगते हैं, यानी कि पॉजिटिव चीजें आने लगती हैं उसके अंदर, तो आगे चलते चलते जब वो थोड़ा और बड़ा होता है वो नेगेटिव चीजों के ओर भी ध्यान देने लगता है और अपने अंदर वो चीजें समाहित कर लेता है अगर उसे सही से दिशा निर्देशन नहीं दिए जाते। तो यही सब पॉइंट है जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पढ़े जाते हैं या प्याजे जी ने हमें ये सब चीजें बताई हैं। तो ये थी इनकी, प्याजे जी की, 4 अवस्थाएं। हम बात करते हैं प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की, शिक्षा में इसका क्या प्रभाव है, किस तरीके से एक टीचर जो है इन बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी पढ़ाने की क्षमताओं को या बच्चे के पढ़ने की क्षमताओं को पूर्ण रूप से आकलन करके उन्हें अच्छे से और पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट है, उन्होंने ये बताया था शैक्षिक महत्व में, यानी कि उसके द्वारा दिए गए जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उनके द्वारा दिए गए जो भी चरण दिए थे उन्होंने, उनको ध्यान में रखते हुए पहला है निर्माणवाद। प्याजे जी ने कहा था कि बच्चे का, या फिर आजकल की भी अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, बच्चे का निर्माण करना है, हमें बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे के व्यक्तित्व को और बढ़ाना है, बच्चे में ज्ञान के भंडार का निर्माण करना है, उसे रटा के चीजों को नहीं समझाना है, बल्कि उसे अच्छे से उसे खोज करने लायक बनाना है कि वो, ताकि वो अपने पर्यावरण में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान खुद निकाल सके।
तो पहली बात तो ये है कि निर्माणवाद होना चाहिए बच्चे का, जिसमें कि पहला उन्होंने बताया कि डिस्कवरी लर्निंग वाली एक्टिविटी होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, कि जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने आप में सीखने के काबिल हैं, कुछ चीजों को उन्हें बता दिया जाए तो वो अच्छे से सीख जाते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी दी जानी चाहिए जिनमें उन्हें जो वो खोज खोज के सीखें, चीजों को रटाना नहीं है, अपने आप को पूरी तरीके से उन्हें बताना नहीं है, उन्हें खोजने वाली जो चीजें हैं एक्टिविटी हैं वो करानी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी देनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक्टिविटी देनी चाहिए, ताकि उन्हें जो भी समस्या दी जाती है वो समस्या को सोचे समझे, उनका जो भी उन्हें समाधान दिखाई देता है उन्हें करे। तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी दी जानी चाहिए, प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जाने चाहिए ताकि उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उनके ज्ञान के भंडार का निर्माण हो। नेक्स्ट है एनी एक्टिविटी बेस्ड मेथड, कोई भी ऐसी एक्टिविटी बेस्ड मेथड दिया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य जो उन्हें एक्टिविटी के द्वारा खेल खेल में वो कर लें, उन्हें जो है डिस्कवरी करने का मौका मिले, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले, तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों को दी जानी चाहिए, ना कि उन्हें रटा रटाए तोते की तरह रटा देना चाहिए। नेक्स्ट है उनका शिक्षक सहायक के रूप में, दूसरी उनकी शैक्षिक महत्व है उनके सिद्धांत का, कि जो शिक्षक है वो सिर्फ बच्चे का एक सहायक है, उसे वो उसका पूरा काम नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए उसे, वो जैसे जो भी इन्हें एक्टिविटी दी जाती है बच्चों को, जो भी काम दिया जाता है वो बच्चों को सिर्फ समझाए। अगर छोटे बच्चे हैं वो गलत भी करेंगे सही भी करेंगे, उन्हें डाउट भी होगा क्या हम ये सही कर रहे हैं, तो जो शिक्षक का काम है वो काम यही है कि वो एक सहायक के रूप में हो बच्चों के, ना कि वो बच्चों को प्रताड़ित करे। वो बच्चों को जो भी वो एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वो बना रहे हैं, उनमें शिक्षक जो है उनकी हेल्प करें, टीचर एज अ फैसिलिटेटर या हेल्पर के रूप में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मध्य, उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं अलग अलग एज के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उन क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को अलग अलग एज के बच्चों को या अलग अलग बच्चों को जिनमें व्यक्तिगत मतभेद पाया जाता है उन्हें अलग अलग तरीके से समझाएं। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता, ये लास्ट ऐसा है शैक्षिक महत्व ऐसा है इसका कि जब तक बच्चा सीखने के लिए रेडी नहीं होगा तो वो सीखेगा ही नहीं, चाहे उसे कितना ही समझा दिया जाए वो नहीं समझेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बात आती है एज फैक्टर की, कि छोटी एज का बच्चा जो है वो किसी और तरीके से समझेगा, किसी एक लेवल तक समझ सकता है और उसे किसी दूसरी तरीके से हम समझा सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें ऐसी एक्टिविटी दी जाए जिसमें वो रुचि दिखा रहा हो, तो अगर छोटी एज का बच्चा है तो वो किसी और चीज में रुचि दिखाएगा, बड़ी एज का जो बच्चा है वो किसी और चीज में रुचि दिखाएगा, और जब तक वो रुचि नहीं दिखाता है, तत्पर नहीं हो जाता है सीखने के लिए, तब तक हम उसे कुछ भी चीज नहीं सिखा सकते, फोर्सफुली हम कुछ भी चीज नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहली बात यही है कि बच्चे को जो है सीखने के लिए तत्पर हमें करना है, और उसके लिए क्या है उन्हें ऐसी फन लविंग चीजें करानी चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए जिनमें वो सीखे भी, यानी कि उनका कंस्ट्रक्टिविज्म भी हो, निर्माणवाद भी हो, और वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उन चीजों को सीख भी जाए। तो ये सब चीजें जो थी प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की थी, उनका शैक्षिक महत्व था। अब हम बात करते हैं उनकी आलोचना किस किस चीज में हुई, आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म क्या थे उनकी थ्योरी के। बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत सही बताई थी लेकिन आलोचना भी उनकी हुई है, जैसे कि पहले उनका नेगेटिव पॉइंट यही था कि संस्कृति और समाज के प्रभाव को उन्होंने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया था। संस्कृति और समाज का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, जैसे कि अगर छोटी एज का बच्चा है तो वो किस संस्कृति में पड़ा बड़ा है, किस तरीके से वो सोच सकता है, उसकी मूर्त चीजों को सोचने की क्षमताएं या मूर्त चीजों को सोचने की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो जो समाज है हमारा, आसपास का एनवायरमेंट है, हम किस एनवायरमेंट में पले बड़े हैं, वो बहुत इफेक्ट डालता है किसी भी बच्चे के किसी संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के प्रभाव को भी उन्होंने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। अगर हम छोटे बच्चे को भी एक लेवल तक के कठिन कामों को भी अगर हम बार बार कराएं, रिपीट कराएं, मतलब कि प्रशिक्षण उसे दें किसी भी कार्य को करने करने में,
तो एक छोटे बच्चा भी एक बड़े बच्चे जैसा ही कोई कार्य सीख सकता है। तो उन्होंने क्या करा, प्रशिक्षण के प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग अपने अवस्थाओं को बांटा था। तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि अगर छोटी एज के बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए तो वो दूसरी अवस्था के बच्चे जैसा काम भी कर सकता है। नेक्स्ट है उनके चरणों के साथ दिक्कत है, यानी कि जो स्टेजेस अवस्थाएं उन्होंने दी हैं, उन्होंने बच्चे का जो डेवलपमेंट बताया था, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट बताया है, वो चरणों में दिया है, यानी कि अवस्थाओं में दिया है। लेकिन जब ये स्टडी करी गई तो ये पता चला कि जो स्टेजेस हैं, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो किसी भी ऐसी अवस्था में नहीं है कि इस एज तक आते आते बस यही सारे गुण डेवलप होंगे, या दूसरी एज का बच्चा जो 12 साल की एज का बच्चा है उसमें दूसरी चरण के जो सारे गुण हैं वो आ चुके होंगे और पहले चरण के सारे गुण जो हैं वो डेवलप हो चुके होंगे। जैसे मैं इसे अच्छे से समझाती हूँ, जैसे 7 to 11 एज का है और फिर 12 to 15 था एज का, थर्ड और फोर्थ का जो मैंने अभी अभी समझाया अवस्था का बच्चा, ऐसा हो सकता है कि जो इस अवस्था का बच्चा है या 12 एज का बच्चा है वो उसमें कुछ कुछ चीजें जो हैं वो इसकी भी अभी आ रही हैं, इस अवस्था की क्वांटिटीज भी अभी वो डेवलप कर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 से 11 साल का या थर्ड अवस्था का जो बच्चा है वो नेक्स्ट अवस्था की चीजें भी अपने अंदर वो डेवलप कर रहा है। तो ये जो चरण है, जो उन्होंने अवस्थाएं दी हैं, वो कोई फिक्स्ड नहीं है कि जो थर्ड अवस्था का बच्चा है इसे इस तक आते आते सारी चीजें ग्रैब कर लेगा और जो फोर्थ अवस्था का बच्चा है फिर नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करेगा, नहीं, उनमें मिक्सअप है। यानी कि जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ये चरणों में नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसके साथ भी ये दिक्कत ही आलोचना इसके कारण भी उनकी हुई। नेक्स्ट है बच्चों की क्षमताओं को उन्होंने बहुत कम आंका है। वही बात मैं अभी आपको कर रही थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उन्हें अच्छे से समझा दिया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, तो वो बड़े बच्चों की तरह भी काम कर सकते हैं, उनसे भी अच्छा बेटर काम भी कर सकते हैं, ऐसा देखा भी गया है। और नेक्स्ट है उन्होंने बड़ों की क्षमताओं को बहुत अधिक आंका है। यही जहां उन्होंने बच्चों को बहुत कम ही इम्पोर्टेंस दी है, बड़ों को उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं वो आते आते संज्ञानात्मक विकास की बहुत चीजें समझ पाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो भी कभी कभी बड़े बच्चों जैसा बिहेव करने लगता है, और जो बड़े बच्चे हैं वो कभी कभी छोटे बच्चों की तरह अड़ियल भी हो जाते हैं। तो ये सब आलोचना थी उनके संज्ञानात्मक सिद्धांत की। यही थी हमारी अब तक का प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।